जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है उसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर भी बात कर लें। आज हमने बात करनी है कि पेट के अंदर जो बच्चे फोत हो जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनमें, वो हमारे पास आते हैं कि बच्चा हमारा पेट में फोत हो गया है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और अगले आने वाले हमल में किस तरह से जो है वो बचा जा सकता है। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक सुनना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। मैं अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से यकीन करें टाइम निकाल के ये वीडियोस बना रही होती हूँ, और कई दफ़ा जो है वो मेरी टीम कई कई घंटे बाहर क्लिनिक का इंतज़ार करती रहती है कि मैं फ़्री हूँ और मैं वीडियो बनाऊँ। तो हमारी ये एफर्ट सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि आप तक जो कुछ कॉमन बातें हैं वो पहुँच जाएँ। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में शूट करूँगी। एक में हम ये बात करेंगे कि क्या जो पेट के अंदर बच्चा फोत हो जाता है उसकी डिलीवरी का क्या प्रोसेस होता है। अक्सर जगहों पे छोटे शहरों में या कोई क्या होता है कि बच्चा फोत हो गया तो अब हमने इसका ऑपरेशन करना है, तो इस पर बात करेंगे। आज हम सिर्फ वजूहात की बात करेंगे कि क्या ऐसी वजह हो सकती हैं कि जिसकी वजह से बच्चा माँ के पेट के अंदर फोत हो सकता है। बच्चा एक दफ़ा फोत हो गया, अगर उस टाइम पे हम पता नहीं चलाएंगे कि बच्चा क्यों फोत हुआ है, तो अगली दफ़ा भी दोबारा ये वाकया हो सकता है और बच्चा माँ के पेट में फोत हो सकता है। तो क्या वजूहात हैं? सबसे पहली बात ये है कि जो बच्चे को आवल, जो बच्चे को खून पहुँचाती है, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे के पेट में फोत होने का बहुत ज़्यादा शुबा होता है। आवल वो ऑर्गन होता है जो कि माँ से बनी बनाई जो खुराक हो गई, ऑक्सीजन हो गई, पानी ब्लड की शक्ल में बच्चे तक लेके जा रहा होता है। बच्चा क्योंकि माँ के पेट में कुछ खा नहीं रहा होता, कुछ पी नहीं होता, वो बनी बनाई खुराक के ऊपर पल रहा होता है। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बच्चा पेट के अंदर फोत हो सकता है। अब किन सूरतों के अंदर आवल के अंदर मसाइल आ सकते हैं? ब्लड प्रेशर, जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर हमल में ज़्यादा होता है, अगर वो शुरू में ही ज़्यादा होने लग जाता है तो आवल के अंदर ब्लड के क्लॉट्स बनने लग जाते हैं और वो बाज़ औक़ात वो नालियाँ बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिससे कि बच्चे को खून जा रहा होता है और इस तरह से बच्चे की बच्चा पेट में फोत हो सकता है। उसकी वजह क्या है? माँ का हाई ब्लड प्रेशर। और बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आवल पेट में फट जाती है, जो कि एक बड़ी ही इमरजेंसी कंडीशन होती है। उस सूरत में भी क्या होता है कि अचानक से बच्चा पेट में फोत हो जाता है। अगर आपको शुगर है हमल में और ये आपका हमल शुरू होने से पहले से आपको शुगर थी, उस सूरत के अंदर भी बच्चे के पेट में फोत होने की वजह बन सकती है ये शुगर, क्योंकि शुगर में भी क्या होता है, शुगर के मरीज़ के अंदर भी क्लॉट्स बनते हैं। इसीलिए देखा गया है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक और इन सारी चीज़ों का रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका खून गाढ़ा होता है। वो मरीज़ भी अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो उनके बच्चे की भी जो आवल है उसके अंदर क्लॉट्स बन सकते हैं, खून बच्चे की तरफ जाना मुतासर हो सकता है और उनका बच्चा भी पेट में फोत हो सकता है। इसी तरह से एक बीमारी होती है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि कुदरती तौर पर मरीज़ के अंदर ब्लड की जो जमाने की जो खासियत होती है वो ज़्यादा होती है, और हमल में चूँकि अल्लाह ताला ने नेचुरली भी ब्लीडिंग को रोका हुआ होता है, तो इसलिए वो मज़ीद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस आवल की अंदर या उसके अंदर खून के क्लॉट्स बन जाते हैं और खून बच्चे की तरफ बहना ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा पेट के अंदर फोत हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके बच्चे के अंदर कोई बनावटी नुक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हार्ट की एबनॉर्मेलिटी है और वो जो है वो बच्चे को पेट के अंदर फोत हो सकता है। अगर आपके बच्चे के वाइटल आर्गन, गुर्दे के अंदर कोई बहुत बड़ा मसला है, तो वो भी इसमें भी क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप बच्चे का पानी खुश्क होता है और उसके बाद फिर बच्चा पेट में फोत हो सकता है। आपके बच्चे को कुछ सिंड्रोम है, यानी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें क्या होती है, छोटी छोटी चार पांच चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जैसे कि गुर्दों में भी मसला है, सर के अंदर पानी भी है, कमर पे फोड़ा भी है और साथ में जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है। अगर आपका बच्चा सिंड्रोमिक है, बनावटी तौर पर सही नहीं है, तो वो बच्चे भी ख़ास करके ट्राइसोमी 13 और 18, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो पेट के अंदर फोत हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आवल फटने की एक वजह तो हाई ब्लड प्रेशर है। अगर कोई खातून पेट के बल गिरी है, चोट की वजह से भी बाज़ औक़ात आवल फट सकती है और बच्चा उस दौरान भी माँ के पेट में फोत हो सकता है।
कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें जो गर्दन के गिर्द अगर बच्चे के नाड़ू है तो आपकी डॉक्टर आपको ये बात बताती हैं कि आपने बच्चे की हरकत का ख्याल रखना है। ये बहुत ही कम रीज़न है बच्चे के पेट में फौत होने की, इसलिए इसको आपने बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना कि अगर बच्चे की गर्दन के गिर्द नाड़ू है तो हो सकता है मेरा बच्चा इसलिए फौत हुआ हुआ नहीं। बाकी वजूहात में से 99.9% में बाकी वजूहात होंगी, लेकिन बाज़ूकात अगर वो कॉर्ड टाइट हो जाती है तो ज़ाहिर है फिर भी ब्लड नहीं जाता बच्चे को और बच्चा पेट में फौत हो जाता है। इसी तरह से जिस तरह से हमने ये बात की कि कॉर्ड के अंदर जैसे कॉर्ड की बनावट में अल्लाह ताला ने नॉर्मली 3 नालियाँ रखी हैं, अगर बनावटी तौर पे उसके अंदर एक नाली कम है तो भी बच्चे की तरफ जो खून का बहाव है वो कम जाएगा और जिस वजह से बच्चे के जो पेट में फौत होने की जो वजह है वो बन सकती है। तो अब हमने ऐसा क्या करना है कि अगली दफ़ा बच्चा पेट में फौत ना हो, ये जिम्मेदारी आपके डॉक्टर की है। वो आपकी कम्प्लीटली हिस्ट्री ले, आपको एक एक चीज़ पीछे जाके कुरेदे। जाहिर है कि एक रास्ते से अगर चोर आया उसने चोरी की है, अगली दफ़ा ज़्यादातर चांस ये है कि वो दोबारा उसी रास्ते से आएगा क्योंकि उसको रास्ता पता लग गया। तो अगर आपने पेट में मुर्दा बच्चे की बस एक डिलीवरी कर दी है या सी सेक्शन कर दिया, वजह नहीं जानी, तो आपने मरीज़ के साथ बहुत ज़्यादती की है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ब्लड टेस्ट ऐसे हैं जो करवा के आप वजह जान सकते हैं, बच्चे की बनावट को बच्चे वाले डॉक्टर की मदद से देखा जा सकता है कि बच्चे के अंदर कोई बनावटी नुक्स तो नहीं था। इवन बाहर के मुल्कों में तो बच्चे की ऑटोप्सीज तक की जाती हैं, उनकी क्रोमोसोमल स्टडीज़ की जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगला जो बच्चा होना है वो भी इसी माँ और इसी बाप का होना है और वही चीज़ दोबारा हो सकती है। तो सबसे पहली तो ये बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ये मामला एक दफ़ा हो गया तो अगली दफ़ा एक एक्सपर्ट डॉक्टर को चुने ताकि वो आपकी पिछली दफ़ा जो भी मामला हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर था, शुगर था, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम था, कोई कॉर्ड के प्रॉब्लम्स थे जो कि हिस्ट्री से और पिछले अल्ट्रासाउंड की मदद से नज़र आ सकते हैं, वो आपका जो है वो उसको पकड़ सके। फिर अगर जो वजह होगी, जो वजह बनी पिछली दफ़ा, उसका तो ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछली दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आवल फट गई तो उस दफ़ा उसका तो ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बाकी सारी वजूहात को भी जेन में रखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि कॉर्ड बच्चे को खून पहुंचाने वाली नाली ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही, ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा है लेकिन साथ ही कहीं शुगर भी ज़्यादा तो नहीं है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम तो नहीं है कि खून बार बार क्लॉट कर रहा है, मल्टीपल डॉपलर्स करवा के देखे जाएंगे। तो आपने अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर से इस चीज़ के ऊपर करना है कि मेरे साथ ये वाकया हो गया है। अगर आपका बच्चा एक दफ़ा पेट में फौत हो जाए तो आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अब आपने किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाना है, आपके गली मोहल्ले का अताई दाई या दम दरूद वाला उसका इलाज इतने आराम से नहीं निकाल सकेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दम दरूद ना कराएं, अल्लाह के नाम में बरकत है, अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए वसाइल पैदा करता है, वसीले बनाता है, लेकिन आपने उसके साथ साथ अपने बाकायदा साइंसी तरीक़ाकार से अपना इलाज ज़रूर कराना है। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा वो हम शूट करेंगे कि अगर आपका बच्चा पेट में फौत हो गया है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपके कौन से टेस्ट हैं जो ज़रूर किए जाने चाहिए, और अगर बच्चा पेट में फौत होता है तो क्या उस केस में ऑपरेशन ही करना पड़ता है या नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। तो जब तक मैं बनाऊँ तब वो वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड पे मैं ज़रूर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया है गायनी सोल्यूशन, फ़ीमेल गायनी सोल्यूशन के नाम से, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन भी कर रहे होंगे और उसके अंदर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए। मैं अभी फ़िलहाल उस पेज को नहीं देख पा रही, जब उसकी ऑडियंस एक खास लेवल तक चली जाएगी तो फिर हम लाइव सेशंस फेसबुक के ऊपर किया करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू डू लाइव सेशन ऑन फेसबुक एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।